वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान के बारे में, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। जी वकार, आपसे बात करी थी मैं अमेरिका और ईरान के बारे में। अमेरिका और ईरान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, इंसानियत तो हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले रखते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखें, पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अल्फाज में पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया है कि पाकिस्तान मज़ीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, दफ्तर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये बात बड़े वाशगाफ अल्फाज में सामने आई है कि पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में अमन कायम हो, और उन्होंने दोनों फरीकीन की तरफ ये इस बात पर ज़ोर दिया है कि वो इंतहाई इकदाम की तरफ ना बढ़ें और तहमुल और रवादारी से काम लें। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके इस पैगाम के बाद दोनों को सोचना चाहिए, अमरीका को भी और ईरान को भी, कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। और अगरचे इमरान ख़ान ने भी कहा, वज़ीर आज़म ने, हमें इस सिलसिले में सालिसी का किरदार अदा करना पड़ा तो हम करेंगे, और अमेरिका को और ईरान को जंग की तरफ बढ़ने की बजाय मुज़ाकरात पर जो है कि इक्तफा करना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान ये नहीं समझता कि ये खिताब मज़ीद किसी जंग का मुतामिल हो सकता है। वकार, मैं आपसे बात एक ये बात पूछना चाहूँगी कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के जो सर की कीमत करार दी गई, इस पर पब्लिक क्या कहती है? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी हद तक लोग बात करते हैं कि ईरान ठीक है, अमेरिका गलत है, अमेरिका ठीक है, ईरान गलत है, अमेरिका ने कुछ किया होगा। तो इस जो सर की कीमत करार दी है, इस पर पब्लिक क्या कहती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बैरूनी ममालिक की हो? देखें, अब तक जो सूरत हाल सामने आती रही है कि अमेरिका की जानिब से लोगों के सरों की कीमतें लगाई गई हैं, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी इस्लामी मुल्क की तरफ से इतनी बड़ी बोली लगाई गई है। और ईरान ये समझता है कि अमेरिकी सदर दहशतगर्द हैं, सदर ट्रंप, और उन्होंने एक इंतहाई जाहिलाना और बड़ी एक बुज़दिलाना और बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई करके ईरानी जनरल को शहीद किया है, और उनकी नज़र में ना सिर्फ अमरीकी सदर बल्कि अमरीकी फ़ौज दहशतगर्द है। और इसी तनाजुर में एक पहली दफ़ा हुआ है ये इस तरह के किसी इस्लामी मुल्क की जानिब से किसी अमरीकी बंदे तो खैर क्या, अमरीकी सदर के सर की कीमत $79 मिलियन लगाई है, और उन्होंने कहा है कि जो उनका सर लेकर आएगा उसको $80 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अगर हमने बात की आपसे बैरूनी ममालिक के हवाले में, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान के हवाले से, हमारे मजहब के हवाले से। पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये जो कहा गया है कि तौबा नाउस बिला खाना काबा की जगह राम मंदिर बनाया जाएगा, ये क्यों कहा है और ये किसने कहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने इतनी इजीली ये धमकी दे दी, हालांकि उन्हें पता है कि ये धमकियों में कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई सच्चाई आने वाली है। तो फिर ये किस तरह से ये सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि सऊदी अरब के अंदर एक भारतीय निजात शहरी काम करता था एक फर्म में, और उसने फेसबुक पर ये पोस्ट की, और उन्होंने तौबा नाउज़ुबिल्ला उस वक्त बदबख्त ने ये पोस्ट की कि ये सजेस्ट किया उसने, तौबा नाउज़ुबिल्ला कि खाना काबा की जगह राम मंदिर बना दिया जाए। तो जैसे ही उसकी पोस्ट मंजर आम पर आई तो वहाँ की जो एक सऊदी अरब की फर्म थी उसने फौरन से पेशतर इस बदबख्त को नौकरी से बेदखल कर दिया, और वहाँ की मुकामी पुलिस ने इस बदबख्त को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, और उस तरह उसके जो इस तरह का ये जो इर्तकाब किया इसने घटिया, तो इसका अब देखें वो अदालत फैसला करेगी, उसकी जवाबदेही है कि इसके साथ क्या किया जाए, वहाँ की क्या कानून है इस तनाजुर में कि वो जो ये इस तरह की तौबा नाउज़ुबिल्ला हरकात सकनात करते हैं मुसलमानों के जज्बात मजरू करने के हवाले से। और खाने काबा के साथ तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा एक जज्बाती वाबस्तगी है और ये ईमान का हिस्सा है यकीनन, तो इस पर तो हर कोई, मतलब मेरा ख्याल है कि जज्बाती हो जाता है। और इसने बड़ी घटिया हरकत की है इस शख्स ने, भारतीय निजात, और इसने जो जसारत की है तो इंशाल्लाह इसको इसके मंतक के अंजाम तक पहुँचाएंगे। जिन्होंने ये बात की है राम मंदिर बनाने की, तो नॉन मुस्लिम जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे,
आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वहाँ के जो मतलब एक महदूस सोच के लोग हैं, यकीनन वो तो इस सोच से इत्तफाक करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो भारत में मुकीम है, हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर सोच के हामिल हैं, या जिनके नज़दीक इंसानियत का बड़ा एक अंसर होता है, अहमियत का हामिल इंसान, सबसे बड़ा मज़हब वो अगर सेकुलर लोग समझते हैं कि इंसानियत का है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसानियत का मज़हब इस तरह का कोई दर्स देता है कि किसी के मज़हबी जज्बात को मजरू किया जाए। तो इसने, ये बदबख्त शख्स ने हमारे एक मुकद्दस मुकाम को इस तरह का इसने पोस्ट की है, तो ना सिर्फ ये काबिल मज़म्मत है, बल्कि ये इसको एक निशान इबरत बना देने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस तरह की कोई जसारत ना कर सके। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो एक इस्लाम मुखालफीन की तादाद है लाखों करोड़ों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक, जैसा कि आप जानते होंगे कश्मीर पर किस तरह से जुल्म किए जा रहे थे मुसलमानों पर, फिर भारत किस तरह से मुसलमानों को मतलब अपने मुल्क से निकालना चाह रहा था, और आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी हद तक वायरल हुई थी, इसमें मुसलमानों ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, जिस तरह नाउस बिला कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई थी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जब इस तरह की कोई वीडियो, कोई मैसेज सामने आता है, तो हमें इनको जवाब देना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए? देखें, मग़रिबी ममालिक में अभी जो आप ज़िक्र करना चाह रही हैं, यकीनन आप नॉर्वे में तोबा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को नज़रे आतिश करने वाले वाक़े की आप बात कर रही हैं। इससे पहले भी नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरी मुस्लिम उम्मा खड़ी हुई है, और मग़रिबी ममालिक नॉर्वे और इस तरह के जो ममालिक हैं, वहाँ पर बाकायदा तोबा इस्तग़फ़ार नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वसीला कायनात हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की गई तोबा इस्तग़फ़ार। तो ये इस तरह, और मेरा ख़्याल है कि इन वाक़यात के बाद पूरी मुस्लिम उम्मा और जो हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामी इत्तेहाद है, उसकी तरफ से मजम्मत आती है सामने। मेरा ख़्याल है कि वो उनको OIC को एक इस ज़मीन में ना सिर्फ करारदाद मंजूर करने की ज़रूरत है, बल्कि अक़वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इसको एक जुर्म का एक बनवाए कि इस काम, इसको जो नापाक जो हरकतें करते हैं, एक जुर्म मनवाए इसको कि इस तरह का कोई अगर खुदा न खास्ता आइंदा मुस्तकबिल में कोई इस तरह की नापाक जसारत करता है, जुर्रत करता है, तो उसके लिए एक सज़ा तजवीज़ की जाए, ताकि इसकी रोकथाम हो सके इन वाक़यात की। यकीनन ये काबिल कबूल किसी भी सूरत नहीं हो सकते किसी गैरतमंद मुसलमान के लिए, और मेरा ख़्याल है कि इस तरह के जज्बात मजरू कर देने वाले जो वाक़यात का फ़ौरन से पेशतर खात्मा होना चाहिए। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हिस्ट्री से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ किस तरह से लोग हैं, और इन फ्यूचर भी रहेंगे, इनकी तादाद में इजाफा ही होगा, ये मुझे भी पता है कि कम नहीं होंगे। लेकिन ये जो करते हैं, मैं आपसे बात करूँगी इंसानियत की मज़हब के हवाले से नहीं, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, ईसाइयों का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तो क्या किसी एक इंसान को हक है कि वो किसी दूसरे इंसान का मजाक उड़ा सके इस तरह से, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, कि क्या वो हिंदुओं का मजाक उड़ा सकता है? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे कि दीन इस्लाम दुनिया जानती है एक आफाकी मज़हब है, और बड़ा अमन आश्ती का मज़हब है, तमाम मज़ाहब के एहतराम का दर्ज देता है, और यकीनन दीगर जो मज़ाहब हैं वो भी दूसरे मज़ाहब के एहतराम का दर्ज देते होंगे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ के जो एक जाहिल तबका है वो, और जो मज़हब से उनकी दूरी है, ये उसी हवाले से और इस तरह की बदबخت हरकतें करते हैं, लेकिन इसके मेरा ख़्याल है पूरी ना सिर्फ वो मुस्लिम उम्मा को बल्कि मग़रिबी ममालिक को भी एक सर जोड़कर बैठना चाहिए, और मज़हबी जज्बात को मजरू कर देने के हवाले से एक बाकायदा कानून बनाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए, ताकि मेरा मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि अक़वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ मंजर आम पर आनी चाहिए कि ये बाकायदा एक जुर्म तस्वुर होगा अगर किसी के मज़हबी जज्बात को मजरू किया, ख्वाब वो उसमें ना सिर्फ मुसलमान हो बल्कि कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी के अगरचे मज़हबी जज्बात को मजरू करता है कोई, तो ये एक जुर्म तस्वुर हो और उसका उसकी बड़ी सज़ाएँ जो है कि उसके लिए रखी जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, हुकूमत को, कि अगर कोई इस तरह से किसी का मजाक उड़ाए तो उस पर उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई वाक़या सामने ना आए। चलें ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी कि रवां माली साल हज पैकेज कितने तक का होगा? देखें, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल कुछ 4.5 लाख रुपए तकरीबन लिए गए थे
حجاج کرام سے اور رواں سال ایک رپورٹ سامنے آئی ہے بیمہ قربانی کچھ 6 لاکھ روپے تک کا پیکج جو ہے کہ متعارف کرایا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تو 6 لاکھ روپے تک تقریباً بیمہ قربانی حج پیکج ہوگا کیا حج پیکج کی قیمت میں کمی کرنی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر مسلمان پر جو صاحب حیثیت ہے ان پر حج فرض ہے تو اس حوالے سے حکومت کو ایسا چاہیے کچھ کہ وہ حج پیکج کم کر دیں تاکہ ہر بندہ ادا کر سکے بالکل بالکل ہر مسلمان کا یہ فرائض میں شامل ہے اور حکومت کو یہ چاہیے کہ اس سلسلے میں اقدامات کرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں کے لیے حجاج کرام کے لیے سبسڈی خصوصی طور پر دیں انہیں حاجیوں کو اور سستا کرے حج کو تاکہ ہر مسلمان جو صاحب حیثیت بھی نہیں ہے وہ بھی حج کے فرض کو ادا کر سکے جی آپ سے بات کرنا چاہوں گی وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے مودی کے بارے میں خود وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم کو تنگ نظر اور ہٹلر قرار دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ موجودہ بھارت میں جو آر ایس ایس کے نظریات کے لوگ ہیں وہ حاوی ہیں ایٹمی طاقت پر اور اس طرح وہاں کا جو ایک دہشت گردی کی جو ایک دہشت گردی کا جو دن ہے وہ بوتل سے باہر نکل گیا ہے اور جس کے نتیجے میں وہاں پر خون ریزی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندو جو لوگ ہیں بڑا ایک وزیر اعظم اپنی ایک سوچ کو مثبت پہلو کی طرف راغب کریں تاکہ جو ہے کہ وہاں پہ مقیم جو مسلمان ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے وہاں پر نہ صرف ابھی مقبوضہ وادی میں کچھ انہوں نے کاروائیاں کی ہیں بلکہ اب تو اپنے بھارت کے اندر انہوں نے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دی ہے دوہری شہریت کے قانون کے حوالے سے اور آج پورے بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کے جو مقامی باشندے بھی ہیں وہ اپنی موجودہ حکومت کے خلاف بڑے سیخ پا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیسیاں مسلم مخالف پالیسیاں مسلم دشمنی پر مبنی پالیسیاں ہیں ان کا فوراً خاتمہ کیا جائے اور تاکہ یہ جو ہمارے ملک کی ایک جو فضا قائم ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایجوکیشن کیا ہے کیا ایک کوالیفائڈ بندہ جو کہ اتنا ماسٹر کیا ہوا ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی اتنا پڑھا لکھا ہے اور اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو کیا وہ پڑھا لکھا کہلائے گا نہیں میرے نزدیک تو پھر وہ پڑھا لکھا جاہل ہے تعلیم تو تمیز سکھاتی ہے جس کے اندر تمیز ہی نہ ہو وہ تو تعلیم کس کام کی تو اس حوالے سے پھر بھارت تو جاہل ہی ہوا نا جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے جس طرح سے مسلمانوں کو ملک سے نکالنا چاہ رہا ہے وہاں پر جو ایک میں سب کو نہیں کہہ رہی نہیں اکثر محدود طبقہ ہے جو انتہا پسند سوچ کا حامل ہے اور وہ اس طرح کی کاروائی کرتا ہے اور اپنے نظریات کی بالادستی قائم کرنے کے در پہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہاں تو ایک بین المذاہب ہمبانگی کا فروغ ہونا چاہیے اور چونکہ وہاں پر بھارت کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے اور مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے علمدار بنتے ہیں بھارت کے جو حکمران ہیں انہیں اس تناظر میں سوچنا پڑے گا ایک طرف تو وہ انسانیت کی درس دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے کہ اس کے برعکس ان کا طرز عمل ہے اپنے کردار کال و فعل میں انہیں تضاد نظر نہیں آتا ان کو نظر ثانی کی ضرورت ہے اور تبھی جو ہے کہ صورتحال معمول پر آ سکے بھارتی آرمی چیف نے کیا کہا یقیناً ابھی ایک بھارتی آرمی چیف نئے ہیں انہوں نے گیدڑ بھبکی دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انک ہے اور اگر ہماری پارلیمنٹ ہمیں حکم دے تو اور قرارداد پاس کرے تو یہ جو آزاد جموں کشمیر ہے یہ اس کو بھی ہم حاصل کر کے دکھائیں گے ہمیں صرف حکم کرے بھارتی سرکار اور ہم اس کے خلاف پھر کاروائی کرنے کے لیے جو ہے کہ آگے بڑھتے ہیں میرا خیال ہے ان کی گیدڑ بھبکی انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ ان کے کس طرح کا ان کے ساتھ جو ہے کہ پھر معاملہ ہونے والا ہے تو میرا خیال ہے کہ محض بیان ہے اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں جتنا جلد تو اچھا ہے ان کے لیے اور اس طرح محض بیانات دینے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا
तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान तरने वाला नहीं है कि जो इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब सामने आया है? पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जवाब दिया, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से कोई जवाब आया है? देखें अभी स्टेटमेंट तो उनका आज का है, यकीनन हमारे यहाँ के जो एक थिंक टैंक है वो यकीनन इस तनाजुर में जवाब देगा मौसर। और अभी आर्मी चीफ का जहाँ तक ताल्लुक है तो उन्होंने अभी, और हम वक्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हर दम तैयार है और हर सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है, और मेरा ख्याल है कि पाक फ़ौज हमें फ़ख्र है अपनी अपनी फ़ौज पर, और वो किसी भी दुनिया की किसी भी बेहतरीन फ़ौज से कम नहीं है, और वो आके तो ज़रा दिखा दें, हमारी सरहद की खिलाफ वर्दी कर दें, ना सिर्फ न मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा बल्कि उनको लोहे के चने चबा दिए जाएंगे हमारी फ़ौज की जानिब से। ये हमारा फ़ख्र है, गरूर है, और हम इसीलिए बारहा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फ़ौज पाइंदाबाद। हमें इन पर फ़ख्र होना भी चाहिए बहैसियत कौम, और ये बड़ी खिदमात अंजाम देते हैं हमारे मुल्क के लिए, सरहदों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और दुनिया इनकी जो है कि खिदमात को तस्लीम भी करती है। वकार, हमने आपसे बात की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक के हवाले से आपसे मज़ीद हमने बात करनी थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने बात की ईरान के हवाले से, भारत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हमें आपसे मज़ीद बात करनी थी, मज़ीद आपको आगाही देनी थी, लेकिन फिल वक्त वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी सियासत और हकीकत के साथ, आपको आगाही दूंगी और अपने कोशिश करूंगी कि हमारे जो एनालिस्ट है वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। फिलहाल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।